Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अजित मिश्रा आपके साथ, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हमारा पार्ट फोर है और इसमें हम फिर से एक बार अक्टूबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, तीन क्लास से कॉन्टिन्यूस हम अक्टूबर को लेकर चल रहे हैं। अभी एक क्लास में हम और अक्टूबर को लेकर चलेंगे। अक्टूबर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, उसके बाद फिर सितंबर, उसके बाद हर मंथ को हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, या आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसका आंसर देना है। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आपको उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके लिए यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, सतत विकास में निवेश को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2018 जीता है? फिर देख लीजिए, यहाँ पर यूएन अवार्ड 2018 की बात हो रही है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, और आपको इसका आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या इसका आंसर होगा? और यहाँ पर आंसर आने शुरू भी हो गए हैं। सबको गुड इवनिंग, सबको हेलो, सबको हाय, सब लोग यहाँ पर जल्दी आइए और आकर आंसर करिए। एंड द आंसर इज इन्वेस्ट इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया कैंपेन है, उसको ये अवार्ड मिला है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर संतोष गलत हो गया है बस। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज ऑन 26 अक्टूबर? तो इनमें से किसको पहला विश्व कृषि पुरस्कार मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। What is the right answer? आपको सही answer choose करना है, क्या इसका सही answer होने वाला है। पहला विश्व कृषि पुरस्कार, और यहां पर एम एस स्वामीनाथन आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर है एम एस स्वामीनाथन। इन्हें आप लोग हमारे इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। एम एस स्वामीनाथन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो आपके सामने है, और ये एक डिफेंस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन है। डूजबा 3 इस देश और रशिया द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डूजबा 3 एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कंडक्टेड बाई दिस कंट्री एंड रशिया, क्या इसका आंसर होगा? हेलो बेटा, सबको है, जल्दी जल्दी यहाँ पर आइए और मेरे क्वेश्चंस के आंसर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एंड द आंसर इज, अभी आंसर नहीं आया है और आंसर आने शुरू है। आंसर इज पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? डूजबा। और इस बार 3rd एडिशन हुआ तो डूजबा 3 हम बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। Where did Vice President M. Venkaiah Naidu inaugurate the Sagar Conference on 23rd October? तो हमारे उपराष्ट्रपति M. Venkaiah Naidu ने सागर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? सागर सम्मेलन, तो ये सागर सम्मेलन, ये जो इवेंट है, ये कहाँ पर हुआ, ये आपसे पूछा गया है। एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि इसका इनाग्रेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू ने किया है। तो क्या इसका आंसर को देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। चलिए राम राम भैया, सबको राम राम। और आंसर क्या होगा? वॉट इज द आंसर? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गोवा। गोवा इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में क्लैनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने किसको 4th वार्षिक कार्नाट पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह आपसे पूछा गया है। देख लीजिए, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में क्लैनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने किसको अपने 4th वार्षिक कर्नाट पुरस्कार से सम्मानित किया है? कर्नाट, यानी सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि कर्नाट पुरस्कार किसको मिला है, किसने दिया है? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के क्लैनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने।
तो क्या इसका आंसर होगा देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे जो आपके सामने लिखे यहां पर। किस राज्य ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की हम बात कर रहे हैं से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। तो मतलब कि अगर आप इस स्टेट में रहते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपसे जीएसटी पे गलत टैक्स ले रही है और आपको कंप्लेन करनी है, तो आप इस कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक तरह का कोर्ट होगा। क्या इसका आंसर होगा? देखिए यहां पर और आंसर आने शुरू हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या है? आंसर है हरियाणा। हरियाणा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने देखिए यहां पर, देखिए एक कमेटी पर क्वेश्चन है। कमेटी पैनल सब एक ही बात होती है। एक संसदीय पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज की जांच करेगा। इसका नेतृत्व ये पर्सन करेंगे। पार्लियामेंट्री पैनल विल एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट विल बी हेडेड बाई ईपीएफओ। आप लोग जब जॉब करेंगे, अभी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो आपका पीएफ कटेगा। ये सब पीएफ कटे कहां जाता है? ईपीएफओ के पास जाता है। तो ईपीएफओ की जो वर्किंग है उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज कीर्ति सोमैया। कीर्ति सोमैया की बात करें तो ये बीजेपी के एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, ये करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर नामक पुस्तक की लेखिका है? तो एक बुक लॉन्च की गई है महाराणा प्रताप पर। बुक का नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर। तो इस बुक की लेखिका कौन है, मतलब कि एक लेडी है? क्या इसका आंसर होगा? ये आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर? यहां पर बच्चे सब लोग आ चुके हैं, आंसर अभी नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो 5 ऑप्शन हमारे पास है एंड द राइट आंसर इज रीमा हुजा। जी हाँ, रीमा हुजा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन आपके सामने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 17 अक्टूबर को अपने कंपनी के लिए एक स्वतंत्र अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया है, ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में देख लीजिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपॉइंटेड दिस पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी स्वतंत्र अतिरिक्त निदेशक। क्या इसका आंसर होगा? और यहां पर आपको आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? यहां पर म्यूनिस सैनी जी हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत नाम रोशन करोगे। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है एंड द राइट आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य। तो अरुंधति भट्टाचार्य इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री विद पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज आइंग 100% एलपीजी पेनेट्रेशन। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के 100% एलपीजी प्रवेश के साथ ये राज्य देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है। मतलब यहां पर जो पेट्रोल पंप हैं, टंकी पेट्रोल पंप्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और केवल एलपीजी प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा वो कौन सा स्टेट है? एंड द आंसर इज केरला। केरला इज राइट आंसर। आप यहां पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने, देखिए फिर से एक बार। कल्पना बोल रही है, ब्लर इमेज आ रही है। कल्पना बेटा एक काम करिए, अपना नेट कनेक्शन चेक करिए, रिफ्रेश करिए, या फिर जो आपका क्वालिटी है ना उसे इंप्रूव करिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य आर्मी फोर्स कमांड की पहली महिला कमांडिंग जनरल कौन बन गई है? हम यूएसए की बात कर रहे हैं। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आर्मी फोर्स कमांड? क्या इसका आंसर होगा? हमारे सामने 5 ऑप्शन है। व्हाट इज द राइट आंसर? यहां पर मिनिश, कोई बात नहीं। चलिए व्हाट इज द राइट आंसर और इसका आंसर क्या है? जी हां, लॉरा जे रिचर्डसन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां पर, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार ये जो गांव है ये देश का सबसे विकसित गांव है। ये कर्नाटका स्टेट का गांव है और आपको इसका नाम बताना पड़ेगा। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सर्वे के हिसाब से ये जो गांव है ये बेस्ट डेवलप्ड विलेज है पूरे इंडिया में। क्या इसका आंसर होगा? देखते हैं यहां पर, चलिए और आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? देखते हैं यहां पर। चलिए तो अभी आंसर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए हैं एंड द राइट आंसर इज कुलीगोद। ऑप्शन नंबर 3, कुलीगोद एक गांव है कर्नाटका का, जो कि पूरे इंडिया का सबसे डेवलप्ड गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक टैग संकेत दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
द शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आपको इसका आंसर देना है. पांच स्टेट हमारे पास है, क्या इसका आंसर होगा देखते हैं. और यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एंड द राइट आंसर इज जी हाँ बिहार, बिहार इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका. देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेल और सक्रिय सोसाइटी आयोग का अनुदान पुरस्कार किसने जीता है 2018 का. Who has won the International Olympic Committee's Sports and Active Society Commission Grant Award 2018? किस पर्सन को मिला है. हमारे सामने पांच ऑप्शन है. चलो इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक. और क्या इसका आंसर हुआ देखते हैं, किस कौन इसका पहला और सही आंसर देता है. प्रांजल बोल रहे हैं टंडन, सुहेल एफ टंडन, ठीक है. और देख लेते हैं यहां पर, देवाशीष टंडन बोल रहे हैं, ठीक है. क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज सुहेल एफ टंडन इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपसे पूछा गया कि 2018 का मैन बुकर प्राइज किसने जीता है, और जिसने भी मैन बुकर प्राइज जीता है उनका अपना एक नॉवल था मिल्कमैन. तो ये आपको मालूम चल गया है कि मैन बुकर प्राइज मिल्कमैन नॉवेल के लिए जीता है इस पर्सन ने, आपको उनका नाम बताना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी आने शुरू हो गए हैं. वेरी गुड, फैंटास्टिक. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अना बर्न्स. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. मैन बुकर प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूरी तरह से आने की संभावना है कि ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है. चलिए आइए 16 क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए एक बार फिर से समिट पर क्वेश्चन है, सम्मेलन पे क्वेश्चन है. तो आपसे पूछा गया है कि 12वां ये सम्मेलन था, 12वां एशिया जहां रहते हैं और यूरोप. तो 12वां एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ अक्टूबर में, ये आपसे पूछा गया. इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसमें हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पर. तो 12th एशिया यूरोप मीटिंग समिट कहां पर हुई, ये आपसे पूछा गया है. जी हां बिल्कुल सही. एंड द राइट आंसर इज बेल्जियम. बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, तो ब्रसल्स में ये हुआ. इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आंसर यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है. तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के हृदयनाथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है. हु हैज बीन नेम्ड हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. हृदयनाथ पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. पवन कुमार बोल रहे हैं कि सर आज मैसेज नहीं आया, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया लग रहा है, ठीक है. कोई बात नहीं है. चलिए और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा, सोनारविन, ठीक है. प्रांजल आज बड़ा तेज आंसर दे रहे हैं, ठीक है. फॉर्चुनेटली स्पीड बोल रहे हैं, क्या मेरी स्पीड तेज है क्या, थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी स्पीड तो तेज रहेगी ना, ठीक है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका 3 है, मोहम्मद जहर खयाम हाशमी. ऑप्शन नंबर 3 इनको मिला है ये अवार्ड, याद कर लेंगे आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है. When is the International Day of the Eradication of Poverty observed? We have 5 options and you will have to choose right one. What is the right answer? तो क्या इसका आंसर होगा देखते हैं यहां पर. हाँ ठीक है, आंसर आप लोग सही दे रहे हैं. तो यहां पर 5 ऑप्शन हमारे पास है, सही आंसर आपको देना है, राइट आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड राइट आंसर इज 17 अक्टूबर इज राइट आंसर. जल्दीबाजी नहीं, आराम से. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ आपको याद होने चाहिए. जिनके भी एग्जाम फरवरी मार्च में है याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेज से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. शिवम थैंक यू सो मच. और यहां पर 19 क्वेश्चन आपके सामने आ गया. देखिए तो क्वेश्चन ये है आपका कि 2018 के 8वें सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है. तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द 8th सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018. वी हैव अगेन 5 ऑप्शन. क्या इसका आंसर होगा. कल्पना बेटा एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, मे बी आप थोड़ी पीछे चल रही हैं, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए बेटा, ठीक है. तो आप बिल्कुल टाइम से आ जाएंगी. और इसका आंसर आपको देना है. व्हाट इज द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्रेमा गोपालन इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए. स्वयं से भी काम करने के इच्छुक पेशेवरों को, पेशेवर जो लोग हैं जैसे हम लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, को माई गवर्नमेंट द्वारा एक
एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। मतलब हमारे देश में जो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए या फिर एजुकेटर्स हो गए, तो ये अपने इच्छा से गवर्नमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्या इसका नाम होगा? और यहाँ पर बच्चे आंसर कर रहे हैं क्या इसका आंसर होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ फॉर सोसाइटी। सेल्फ फॉर सोसाइटी एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर देखिए, पूछा गया है कि 16 अक्टूबर को हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के समर्थन के लिए 24 आवर संचालित अत्याधुनिक केंद्र भरोसा नाम इसका का उद्घाटन कहां पे किया गया है? एक सेंटर होगा जो 24/7 ओपन होगा, यहां पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉय लेडी होंगी, तो जो महिलाएं पीड़ित हैं हिंसा से या बच्चे हैं तो उनके लिए ये सेंटर ओपन किया गया है। क्या इसका आंसर होगा? आंसर आने शुरू भी हो गए हैं, चलिए ठीक है, और आंसर की बात करते हैं, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। हैदराबाद इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिए, 16 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 वर्षों तक किसे आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुआ है फॉर 3 ईयर? आपको इसका आंसर देना है, और यहां पर देखते हैं किस कौन इसका पहला आंसर देता है। ठीक है ठीक है, कमेंट आ रहे हैं, वॉट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रो आईनॉक्स किस शहर का भारत का पहला रूफटॉप सौर संचालित सिनेमा हॉल बन गया है? तो मेट्रो आईनॉक्स ऑफ विस सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप सोलर पावर्ड सिनेमा। मतलब एक सिनेमा हॉल है जिसके ऊपर पूरा सोलर पैनल बिछा दिया गया है, और इसी सोलर पैनल से ये पूरा जो आईनॉक्स जो ये आपका जो जैसे नहीं पीवीआर होता है, आईनॉक्स जो आपका जहां मूवी देखते हो, ये किस शहर में खुला है ये आपसे पूछा गया है, एंड द आंसर इज एंड राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई इज राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 अक्टूबर को जापान के योकोहामा में किस देश ने 2018 महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप जीती? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो विच कंट्री वॉन द 2018 वुमेन्स वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इन योकोहामा जापान। यानी एक इंफॉर्मेशन तो यह मिल गई आपको कि 2018 का वुमेन्स वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान में हुआ, किस टीम ने जीता यह आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर देना है। वॉट इज द राइट आंसर? आंसू आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चेक करिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा पीडीएफ का, जरूर होगा आज, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज सर्बिया। सर्बिया इज राइट आंसर। आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं मालूम था, एक दो बच्चे ने दिया है, दिव्य ज्योति ने दिया है आंसर सर्बिया, और चंद्र प्रकाश ने भी सर्बिया आंसर दिया है, ठीक है, ओंकार ने भी सर्बिया आंसर दिया है, ज्योति मिश्रा भी है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए, तो 24 और 25 अक्टूबर को 11वां वैश्विक कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था यह आपसे पूछा गया है। 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2018 हेल्ड ऑन 24th and 25th अक्टूबर, वेयर, कहां पर यह हुआ था यह आपसे पूछा गया है। फिर देख लीजिए, वैश्विक कृषि सम्मेलन या ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट कहां पर हुआ था, यह 11th एडिशन था। कुणाल बेटा अभी नहीं, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ के, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये समिट हुई थी, आपके सामने इसका आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, आपके सामने यहां पर आ चुका, देखिए बढ़िया, वेरी गुड। 25 अक्टूबर 2018 को नाटो ट्राइटेंट जंक्चर सैन्य अभ्यास कहां पे शुरू हुआ था? वेयर डिड नाटोस ट्राइडेंट जंक्चर 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिन ऑन 25 अक्टूबर? मतलब कि किस देश में ये आपसे पूछा गया है। फिर देख लीजिए, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो ट्राइटेंट जंक्चर डिफेंस एक्सरसाइज कहां पर हुआ था, और यहां पर आंसर भी आ रहे हैं। And the right answer is Norway. Norway is right answer. आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए next question की बात करते हैं आपके सामने, 27 question देखिए यहाँ पर।
2016 के लिए सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? अवार्ड तो 16 का है, लेकिन मिला है ये आपके 18 अक्टूबर मंथ में। तो 2016 के लिए टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी किसको मिला है? यहाँ पर फिर से 5 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना है, यानी अवार्ड और विनर पे क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होने वाला है, व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देवाशीष ने पहला आंसर दे दिया है, क्या ये सही आंसर है? ठीक है, देखते हैं। हाँ आकाश, आकाश आपका नाम आकाश है, आप बिल्कुल छा जाएंगे सबके ऊपर, मुझे पता है, बादल की तरह है ना, आप परेशान ना हो बिल्कुल। एंड द आंसर इज राम वंजी सूतर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर, ये रहा आपके सामने। देखिए तो विप्रो कंपनी का नाम सुना आपने, विप्रो ने किसको एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो अपॉइंट हुई है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुकी हैं। अब मैंने रह चुकी हैं बोला है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये वही लेडी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी क्या थी, आपकी डायरेक्टर बनी थी, वही लेडी है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेम है, अरुंधति भट्टाचार्य। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री और विप्रो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, इन दोनों ने सेम लेडी को अपॉइंट किया अपने अपने यहाँ। ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर, आपके सामने देखिए। सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता होगा ना कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अगर आपके घर में कोई 10 साल से कम एज की बच्ची है तो उसका आप पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हैं अकाउंट, जिसमें आपको मिनिमम 250 रुपये पर मंथ देने होते हैं। और जब ये बच्ची शादी के लायक हो जाती है, एज हो जाती है, तो आपको बल्क में कुछ अमाउंट मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं, के तहत 16 लाख से अधिक डाक बचत खातों को खोलकर किस राज्य ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं अपने। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 16 लाख से ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने, ये देखिए यहां पर 25 अक्टूबर को केंद्रीय न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थवरचंद गहलोत ने शिलोंग मेघालय में दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है, तो ये किस लागत से बनाया जाएगा। यानी इसी क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन और बना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है कहां पर, तो जगह का नाम आपसे पूछा जा सकता था, तो वो आपको मालूम चल गया कहां पर। अच्छा किसने ये अमाउंट सैंक्शन किया है, तो थवरचंद गहलोत है। अब कितना अमाउंट है ये आपको बताना है, व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 200 करोड़। तो 200 करोड़ इज राइट आंसर, 200 करोड़ रुपए सही आंसर हमारा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे सामने देखिए यहां पर 27 अक्टूबर 2018 को प्रोजेक्ट नन्ही कली द्वारा आयोजित द टीन एज गर्ल्स रिपोर्ट के सर्वेक्षण निष्कर्षों के मुताबिक कौन सा राज्य टैग इंडेक्स में सबसे ऊपर है, जो प्रत्येक किशोरी की स्थिति के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रदर्शन की तुलना करता है। मतलब देखिए सिंपल भाषा में समझिए, एक टैग इंडेक्स होता है, तो हर स्टेट में जो बच्चियां हैं कैसा मतलब उनकी देखरेख कैसी होती है, किस तरह वो पलती हैं अपने घर में अपने लोकेलिटी में, उनके हालात कैसे हैं, उनको एजुकेशन कैसे दी जा रही है, इन सब को देखते हुए स्टेट को रैंक दी जाती है। तो टॉप पर कौन सा स्टेट है ये आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अमित कुमार मैंने समझा दिया बेटा, ठीक है, तो देखिए जहां लोग पढ़े लिखे होंगे वहीं पर ये हो पाएगा, तो आंसर क्या होगा, केरला इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 32वां क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य ने 26 अक्टूबर को नीली क्रांति एकीकृत विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन की प्रमुख योजना शुरू की है, यानी गवर्नमेंट स्कीम पर एक क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट पर क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द स्कीम ब्लू रिवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं यहां पर। और यहां पर आंसर आ रहे हैं थोड़े बड़े बड़े से, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज मेघालय, मेघालय इज राइट आंसर, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे सामने यहां पर आ चुका है, देखिए एक्चुअली बस ये क्वेश्चन को मत भी पढ़िए तो मेरी बात सुन लीजिए केवल। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी जो है ये हमारे प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सौंपेगी कि कैसे हमारे फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि इस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, इस कमेटी के हेड कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, देख लीजिए और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, कभी कभी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो क्या इसका आंसर होने वाला है? और इसका आंसर राम नाइक, जो कि गवर्नर भी हैं, आपको पता है राम नाइक किस स्टेट के गवर्नर हैं, जरा मुझे ये भी कमेंट में बता दीजिएगा राम नाइक, ठीक है? चलिए, हाँ बता दीजिएगा मुझे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 क्वेश्चन आपके सामने। 25 अक्टूबर को किसने म्यांमार के यंगून में सौंदर्य प्रतियोगिता के 6वें एडिशन में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता? तो आपको बताना क्या है, देख लीजिए फिर से, हु वॉन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल टाइटल, और ये कहां पर हुआ था कंटेस्ट, ये हुआ था कहां पर, यंगून में, म्यांमार में। किसने जीता है ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द राइट आंसर। हाँ यूपी गवर्नर है, हाँ वो सिंपल क्वेश्चन था, चलो सब लोग खुश हो गए एकदम। और प्रांजल पांडे ने इनका आंसर दे दिया है, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुश भी है काफी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्लारा सोसा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये पराग्वे की कंटेस्टेंट थी और ये जीती हैं ये अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड द फर्स्ट क्रिस एवर्ट वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी ऑन 26 अक्टूबर 2018। 6 अक्टूबर को कौन क्रिस एवर्ट विमेन टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी की पहली प्राप्तकर्ता बनी है, मतलब ये जो एथलीट हैं, जो ये टेनिस प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक भी रखती हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको देना है, और आंसर यहां पर आ रहे हैं बिल्कुल सही, एंड द राइट आंसर इज सिमोना हेलेप, शी इज अ टेनिस प्लेयर, सिमोना हेलेप इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेस्ड ऑन बुक्स एंड ऑथर, प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक आई थी प्रशासन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वॉट इज द राइट आंसर, वी हैव 5 ऑप्शन एंड यू विल हैव टू चूज राइट वन। क्या इसका आंसर होने वाला है, देखते हैं कौन इसका पहला आंसर देता है। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज देवाशीष ने आंसर दे दिया है पहला, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर की बात करते हैं, आंसर इज मनोहर जोशी, मनोहर जोशी ने ये बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहाँ पर, तो एक जापानी रॉकेट ने संयुक्त अरब अमीरात के पहले स्थानीय रूप से बनाए गए उपग्रह, इसका नाम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा पहुँचा दिया, मतलब क्या, सिंपल से यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सऊदी अरेबिया ने अभी खुद से एक सैटेलाइट बनाया है, उसका नाम बताइए, और इस सैटेलाइट को कौन से कंट्री ने अंतरिक्ष में भेजा? तो कंट्री कौन सी है, जापान, तो सऊदी अरेबिया के आपको सैटेलाइट का नाम बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज खलीफा सेट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, मेरी भाषा में समझिएगा, किस बैंक ने पेमेंट सर्विस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हिटाची पेमेंट सर्विस से एग्रीमेंट किया है? ये बैंक और हिटाची पेमेंट सर्विस एक अपना पेमेंट सर्विस बनाएंगे, ये आपको बताना है, देख लीजिए यहां पर, मतलब एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये हुआ है, तो एक बैंक है और हिटाची पेमेंट, ये तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कराया भी है, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड साथ ही साथ आपको याद क्या रखना है, हिटाची पेमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 25 to 27 अक्टूबर 2018 तक भारत मोबाइल कांग्रेस के दूसरे एडिशन का ये आयोजन कहां पर किया गया था? तो वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस हेल्ड फ्रॉम 25 to 27 अक्टूबर 2018, व्हाट इज द राइट आंसर, आपको ये बताना है क्या इसका सही आंसर होगा, यानी फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं सम्मेलन की, क्या इसका आंसर होगा, अभी तक आंसर नहीं आए हैं, एंड द राइट आंसर देवाशीष बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, क्या न्यू दिल्ली राइट आंसर है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर, पुणे नहीं है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर को फार्मूला 1 ड्राइवरों की विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? Who won the Formula One Drivers World Championship 2018 on 28th October? एक ही नाम है जो आपके कमेंट में आना चाहिए, और वो नाम क्या है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, देखते हैं, मुझे मालूम है अपना आप आंसर क्या दोगे, और जो आप आंसर दोगे वो सही आंसर दोगे। तो फॉर्मूला 1 कार रेस की बात हो रही है, और जी हाँ आंसर बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं, एंड द आंसर इज लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 से 29 अक्टूबर 2018 तक पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का पहला एडिशन कहां पे आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018 हेल्ड फ्रॉम 24 to 29 अक्टूबर 2018, और इस स्पोर्ट्स इवेंट पे पहले नंबर पे मणिपुर था, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पर, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर इंफाल। तो मणिपुर इंफाल में पहला एडिशन हुआ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने यहां पर आ गया। 29 अक्टूबर को सूर्य के सबसे निकटतम पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच स्पेस क्राफ्ट बिकेम द क्लोजेस्ट स्पेस क्राफ्ट एवर टू द सन ऑन 29 अक्टूबर, व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको बताना है। नासा का ही है, चाइना का नहीं है। तीन ऑप्शन आपके सामने है, आपको उसी में से आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, एंड राइट आंसर इज नासा पार्कर सोलर प्रोब। तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है ये बनाया ही गया था सन की स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर 18 अक्टूबर को कमल हसन ने श्री साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया था, आपको इसका नाम बताना है। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वुमेन सेफ्टी इनॉग्रेटेड बाय कमल हसन एट द श्री साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज इन चेन्नई। चेन्नई की बात हो रही है, मतलब तमिलनाडु स्टेट में ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, आपको उस एप्लीकेशन का नाम बताना है। आंसर आने शुरू हो गए हैं एंड द आंसर इज रुद्रम, रुद्रम। तो रुद्रम इज राइट आंसर, आप यहां पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने देखिए 18 अक्टूबर को किश्तों में दावों की जांच के लिए भारतीय बीमा, देखो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने एक कमेटी बनाई। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने कस्टमर से कितना प्रीमियम ले रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके भी घर में आपके पेरेंट्स का या आपका इंश्योरेंस होगा, जिसमें आप हर मंथ पे या हर 3 मंथ पे या हर 6 मंथ पे या ईयरली कुछ ना कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम को चेक करने के लिए कि कंपनी प्रीमियम सही ले रही है कि नहीं सही ले रही है, उसके लिए IRDAI ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज सुरेश माथुर, सुरेश माथुर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने फिर से एक बार। देखिए तो आपसे पूछा गया है कि किलोंग स्टेशन एक स्टेशन है जो सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, मतलब प्रॉपर एक टनल है, टनल के अंदर स्टेशन बनाया गया है, नाम क्या है किलोंग स्टेशन का, तो यह किस स्टेट में है, यह आपसे पूछा गया है। देख लीजिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या इसका आंसर होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुका है। देखिए तो 21 से 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह में वार्षिक उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, यानी पहले हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, इवेंट का नाम क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस बार ये अवार्ड किसको मिला है, ये बस आपसे पूछा गया है। अवार्ड का नाम है उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। देख लीजिए यहां पर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका 1, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने 20 अक्टूबर 2018 को यमन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। कल भी मैंने आपको कुछ प्राइम मिनिस्टर के नाम पढ़ाए थे, शायद इसके पहले वाली क्लास में ही पढ़ाए होंगे, तो हर बार आपको हम अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, क्या इसका आंसर होगा। देख लेते हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे सामने हैं और आंसर क्या है, देख लीजिए, मईन अब्दुल मलिक। तो मईन अब्दुल मलिक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लेते हैं। चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देख लिया आप लोगों ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो राष्ट्रीय एकात्मता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे व्हेन वाज नेशनल सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड। हमारे सामने पांच ऑप्शन है और आपको राइट आंसर चूज करना है। व्हाट इज द राइट आंसर? डेज आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज डेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज राइट आंसर? चलिए जल्दी से बताइए मुझे राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। और यहां पर सोनारविंद ने पहला आंसर दे दिया है, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज अक्टूबर 20 अक्टूबर इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, 21 अक्टूबर 2018 को फेसबुक के वैश्विक मामलों और संचार टीम के प्रमुख के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ फेसबुक ग्लोबल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टीम ऑन अक्टूबर 21? देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आपने मुझे अक्टूबर से फॉलो किया होगा तो आप इसका आंसर दे लेंगे। सुमित शर्मा बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है। एक चीज होती है क्लियर और एक होता है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर कब होता है? जब एग्जाम हम देने आते हैं, तो पहले क्लियर कर लो ताकि एग्जाम में ऑल क्लियर ना होने पाए, है ना। चलिए और आइए और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज, एंड राइट आंसर इज निकलेग। निकलेग इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यहां पर कमेंट अभी तक नहीं आ रहे हैं। क्लास ये होता है 5 o'clock पर डेली, तो 5 o'clock पर आपको आना है और धमाल मचाना है, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको दे दिया, निकलेग इज राइट आंसर। चलिए और यहां पर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवनी, योद्धा योगी योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा के लेखक का नाम क्या है? फिर देख लीजिए, यहां पर आदित्यनाथ की जीवनी है लिखी गई है, योद्धा योगी योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा, इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। बहुत सारे लोग यहां पर जय माता दी जय बजरंगबली अपना करके आंसर दे रहे हैं, ऐसा मत करिए, सही आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। हां फॉर्चुनेटली यू आर राइट, यू आर ऑलवेज राइट, यू आर रॉकस्टार, है ना। चलिए आइए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से, तुम लोग के कमेंट बहुत धीरे आ रहे हैं, बहुत धीरे क्यों आ रहे, इतने धीरे याद नहीं है। और क्या इसका आंसर है? तो हर्षित बोल रहे हैं आदित्य राणा, सिमरन बोल रही है प्रवीण। व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार इज राइट आंसर। नो आइडिया अर्पित, गेट आइडिया, आजकल आइडिया और वोडाफोन मर्ज भी हो गया है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, आज आपके लिए 54 क्वेश्चन है, ठीक है, तो बने रहिएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अक्टूबर को 3 दिवसीय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया था? यानी फिर से एक इवेंट की बात आपसे हो रही है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ने 3 दिन का विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन कहां पर इसका उद्घाटन किया था, यह आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होने वाला है देख लें। शिवम दुबे बोल रहे हैं कि हमारे शो को हिट द लाइक बटन, मतलब लाइक कर दीजिए, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपने हाथ को तकलीफ देनी पड़ेगी। तो क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नासिक महाराष्ट्र, नासिक में ये हुआ था, याद कर लीजिएगा। आंसर भी आप लोग दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे आपके सामने। 21 अक्टूबर 2018 को किस फॉर्मूला 1 कार रेसर ने अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन द यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2018 ऑन 21 अक्टूबर? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होने वाला, जल्दी 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 आंसर दीजिए। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज, मुझे मालूम था कि लोग लेस हमेशा नहीं देंगे, इसका आंसर है किमी रेकेओन, आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। लेस हमेशा हर बार थोड़ी ना जीतेंगे, हर बार हर इंसान थोड़ी ना जीत सकता है जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन सामने आपके। 24 अक्टूबर को बेंगलुरु में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? फिर से क्वेश्चन, बेंगलुरु में ये अवार्ड दिया गया, पहले तो ये देख लीजिए और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, क्या इसका आंसर होना है। एंड द राइट आंसर इज, यहां पे देख लीजिए, डॉक्टर एच डी देवगौड़ा, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 अक्टूबर को किसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल संघ की श्रेणी के लिए फिक्की भारतीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? फिर देख लीजिए, यहां पर फिक्की भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाना है किस खेल संघ को, जैसे हॉकी का संघ है अपना, बैडमिंटन का है, क्रिकेट का है, किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है
और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ये राइट आंसर है. तो गाइज ये था हमारा आज का शो. हमारा शो कैसा लगा आपको? क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको? अभी आपको हम केवल अक्टूबर करवा रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे कि आप अक्टूबर से क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं. वैसे ही नवंबर होगा, वैसे ही दिसंबर होगा, वैसे ही सितंबर भी होगा. तो हमारे शो के साथ बने रहे. डेली शाम को 5 बजे आपको आना है, नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए. 5 o'clock पर मैं तो आता ही आता हूं, और मॉर्निंग में 7:30 पर आपको आना है फॉर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है? और यकीन मानिए कि जो हमारा मॉर्निंग में 7:30 पे करंट अफेयर्स आता है, अगर आप प्रॉपर उसे फॉलो करेंगे तो उसमें इतने पॉइंट रिवीजन के हैं, इतने पॉइंट स्टैटिक के हैं, इतने पॉइंट आपके डेली करंट अफेयर्स के हैं कि आपका करंट अफेयर्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा. तो इन दोनों शो में आपको आना है. एक बात और, इसके बाद नितिन सर की क्लास होती है इंग्लिश के लिए, आप उनकी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है? और आज मेरा एक वीडियो आया है वेनेजुएला क्राइसिस के ऊपर, तो इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, तो आपको मजा जरूर आएगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, और भूलिएगा नहीं, जिद है तो जिद है. थैंक यू सो मच.